नईमबई पुलिस ने शहर में मेथाक्यूलोन ड्रग्स बेचने की फिराक में जुटे चार तस्करों को वासी के महको मार्केट से गिरफ्तार कर लिया है। नशे का अवैध कारोबार करने वाले इन आरोपियों के नाम अलाउद्दीन मोहम्मद मौलाना, अब्दुल उबोलोन, मोहम्मद मुकीम सिद्दीकी और फैयाज अहमद बताए जा रहे हैं। DCP जोन 1 विवेक पांसरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि APMC पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों से 250 ग्राम मेथाक्यूलोन ड्रग्स जब्त की है, जिसकी मार्केट कीमत 30 लाख बताई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SCP गजानन राठौड़, सीनियर PI नलावड़े समेत कार्रवाई टीम के कई कर्मचारी भी मौजूद रहे। DCP विवेक पांसरे ने दावा किया कि नईमबई पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ बेहद सख्त है। पकड़े गए आरोपियों से भी सघन पूछताछ चल रही है और पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर मणिपुर से आए तस्कर 30 लाख की यह महंगी ड्रग्स कहां से लाए थे और किसे बेचने के फिराक में थे। आइए सुनाते हैं DCP ने क्या कुछ कहा। दिनांक 16 फरवरी को PI श्री नलावड़े, इनको माहिती मिली थी कि उसी दिन रात को 10:30 बजे के दरम्यान कुछ इसम नारकोटिक ड्रग्स लेकर वसई की तरफ जा रहे और वो APMC मार्केट में रुकने वाले हैं। तो इसके बाद उन्होंने API नीलेश शेवाड़े और API वसीम शेख, ये दोनों की टीम वहाँ पे लगाई और हम लोगों ने ये लोग यहाँ पे अरेस्ट किए हैं। इसमें मणिपुर से जो लोगों ने ये ड्रग्स लाया था, मेथाक्यूलोन नाम का ये ड्रग था, वो 250 ग्राम का ड्रग्स हम लोगों ने बरामद किया है। इसकी मार्केट में कीमत 30 लाख रुपये के आसपास है और मणिपुर से जो लोगों ने ये ड्रग लाकर आए थे और वसई को जिसको दे रहे थे, वो दोनों ही टीम यानी वो दो और दो मिलके 4 लोगों को हम लोगों ने इस गुने में अभी तक अरेस्ट किया है और हम लोग आगे का तपास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो ये दोनों भी जो मैंने अभी प्रेस ली, जो गुटखा का भी था वो घाटकोपर को जा रहा था, कई दूसरी जगह से आ रहा था, तो ये जाने का जो मार्ग है ये मार्ग में हम लोगों ने कार्रवाई की है। और ये भी जो माल है ये मणिपुर से आया था और वो सही जा रहा था, तो हम लोग पूरा प्रोएक्टिव होके जो बाहर जो रहा मतलब माल जा रहा है वो माल के ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ का तो जो बेच रहे हैं जो सेलर्स है उनके ऊपर पहले ही हम लोगों ने उसका कड़ा तपास करके उनको कड़ी कार्रवाई करके उनको बंद किया है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।